देखिए मोदी सरकार के 20 साल पूरे होने पर, 20 साल का कार्यकाल पूरा होने पर फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, आइए सुनते हैं। वहां पहुंच जाए, सूरत शहर और डांग के जिले के बीच में कोई अंतर वो नहीं ढूंढ पाएगा, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से राजनीतिक लाभ भी मिला, राजनीतिक लाभ दूसरी बात है, मगर लोगों का भरोसा लोकतंत्र के अंदर दृढ़ हुआ। सागर छोड़ के हमारे किनारे थे तो उसके लिए भी एक योजना लेकर आए, वो भी निग्लेक्टेड पड़े थे, जबकि सबसे ज्यादा खनिज संपदा वही थी, रेवेन्यू सबसे ज्यादा वहां से आती थी, बंदरों के कारण सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहां लगी थी। पूरे सागर छोर के किनारों को रोड से जोड़ दिया और इसके वहां पर हर तहसील की एक डेवलपमेंट प्लानिंग बनाई गई और सागर खेडू विकास योजना वहां उन्होंने शुरू की। आज वो एरिया पूरा गुजरात की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन बना हुआ है। और तीसरा, हमारे यहाँ देश भर में था उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रॉप आउट का था, एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट एजुकेशन, एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो गुजरात में, गुजरात जैसे राज्य में बहुत बड़ी समस्या थी, उन्होंने खुद कड़ी धूप के अंदर पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब लोगों ने 5 दिन शुद्ध रूप से, 5 दिन में 25 स्कूलों में जाना है और महोत्सव के रूप में बच्चों के एनरोलमेंट का कार्यक्रम शुरू कराया और हमारे एनरोलमेंट को 100% तक पहुंचाया। और उसके बाद वहां अभिभावकों की कमेटी तो बनवाई, स्केल और स्पीड का जो है उनका कॉन्सेप्ट वहीं से वो शुरू से है, वो शुरू से है, संगठन में भी था, सरकार में भी था, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी था। और उन्होंने अभिभावकों की कमेटी बनाई, विशेषकर माताओं की कमेटी बनाई, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आता है तो इसकी चिंता होती थी, मास्टरों की जिम्मेदारी तय कर दी। और ये सारी चीजों के बाद प्राइमरी एजुकेशन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी गुणोत्सव कर एक कार्यक्रम लिया और इसके कारण परिणाम ये आया, एनरोलमेंट 67% था वो 100% पहुंचा, ड्रॉप आउट रेशियो 37% था वो पॉइंट समथिंग पहुंच गया, 1% से नीचे चला गया। अब इसका इवैल्यूएशन कोई करेगा तो मालूम पड़ेगा कि देश के विकास में, गुजरात के विकास में इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है ना, जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है ना, संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसके अंदर आमूलचूर परिवर्तन है। इसी प्रकार से शहरी विकास, ग्रामीण विकास, औद्योगिक नीति, वाइब्रेंट गुजरात का उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करा, खावड़ा तक पानी भी उनके समय में ही पहुंचा, नर्मदा योजना को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, सोनी योजना लाकर गुजरात के अंदर लगभग टैंकर राज को समाप्त कर दिया। गुजरात ऐसा एक क्षेत्र था जहाँ टैंकरों की इंडस्ट्री चलती थी क्योंकि गांव में पानी नहीं होता था, आज फ्लो से पानी हर गांव में जाता है, पीने की पानी की कहीं किल्लत नहीं है। और दृढ़ता पूर्वक कठोरता से नीति बनाकर जो काम किया, इसका परिणाम यह है कि गुजरात के कई जिले आज काली यादी से बाहर आ चुके हैं, 100-100 फुट भूगर्भ जल का लेवल ऊपर आया है। पूरे भारत में एक ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ भूगर्भ जल में बढ़ोतरी हुई, तालाबों को बहुत डीप करने का काम किया गया, छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए, नर्मदा का जो बाढ़ का पानी था उसको तालाबों में डाइवर्ट कर, इस प्रकार से एक दूसरी चैलेंज को उसने अच्छे, इतने अच्छे तरीके से लिया कि देश भर के अंदर जो मिली जुली सरकारों का एक युग था, वो युग में एक छवि बनी थी कि ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम शायद फेल तो नहीं कर जाएगी। गुजरात के नरेंद्र भाई के सफल मुख्यमंत्री काल के दौरान न केवल गुजरात, देश भर में एक आशा का किरण जागृत हुआ कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई दोष नहीं है, ये सफल हो सकती है, ये डिलीवर कर सकती है, अंतिम व्यक्ति तक जा सकती है। और वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना, कल्याण राज्य की कल्पना, मैं पश्चिम की कल्पना की नहीं बात नहीं करता, अपने संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना करी थी वो साकार हो सकती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री से खास बातचीत आप सुन रहे थे और जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे गुजरात मॉडल जो है वो यहां पर सफल रहा और उसी के तर्ज पर आज पूरा जो भारत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।